ओम शांति। 6 मई। हम सभी गॉडली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जहां हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम्हारे लिए ही गायन है। अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। लोग तो गीता पढ़ते थे, हे अर्जुन मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। अब बाबा सम्मुख बैठकर हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं और राजाओं का राजा विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बना देते हैं, सारे विश्व पर हम राज करते हैं। तो बाबा कह रहे, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हें बहुत बहुत अतिंद्रिय सुखों में रहना चाहिए। मैं आया हूं तुम्हें घर ले जाने के लिए, पढ़ाने के लिए आया हूं, ब्रह्मा के तन में आया हूं। इसकी आत्मा भी यहां बैठी है और मैं भी इसके पास आकर बैठ जाता हूं। इसको पता चलता है मैं कब आ गया हूं। इसको मैं कहता हूं, तुम अब मुझे याद करो, तुम्हें पावन बनना है। और तुम सब बच्चों को भी कहता हूं, गंगा में स्नान करने से तुम पावन नहीं बनोगे, मुझे याद करो। तुम बच्चे मुझे बहुत प्रिय हो, हर एक बाप को अपने बच्चे बहुत प्रिय होते हैं ना। दूसरे बच्चों को भले ही प्यार भी करेंगे, लेकिन असली प्यार अपने बच्चों के लिए होता है। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें ले जाने आ गया हूँ, ले जाने आ गया हूँ तो तुम्हें देह से ममत्व निकाल देना है। घर गृहस्थ में तो रहना ही है, लेकिन मेरा कुछ नहीं है, ये स्थिति बना देनी है। बड़ी गहरी बात है, तुम्हें बैगर टू प्रिंस बन जाना है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे इस ब्रह्मा ने सब कुछ दे दिया, बाबा ये सब कुछ तुम्हारा है, सबसे बड़ा बेगर ये बन गया, बेघर भी बन गया और बैगर, ताकि बैगर टू प्रिंस बन जाए तो ये श्री कृष्ण बन जाता है। पहले बैगर बन गए, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम तो भक्ति में यही कहते थे, हे प्रभु तुमने सब कुछ दिया है, तेरा तुझको अर्पण। अब बाबा कह रहे हैं, अर्पित कर दो, ग्रस्त में रहो, ट्रस्टी बनकर रहो, तो तुम्हारी आसक्तियां निकलती जाएंगी, सभी प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करेंगे। घर देखो, सब कुछ देखो, बच्चे देखो, धन संपत्ति देखो और अपने को संकल्प दें, मेरा कुछ भी नहीं, ये सब शिव बाबा की देन है, उसको अर्पित, मन से अर्पित करें। देखिए, वो किसी का स्थूल में नहीं लेगा, उसके कार्यों में तो सब लगाते ही हैं और सच्चे मन से लगाते ही चलना है, लेकिन आसक्तियां मिटानी हैं, क्योंकि घर जाना है। अगर आसक्तियां रह गई, देहभान रह गया, देह से ममत्व न मिटा, धन संपदा में बहुत आसक्त रह गए, तो कष्ट बहुत ज्यादा होगा। हम ऐसे जाएं अपने धाम, बस देह छोड़ा और चले गए। बाबा कहते, तुम मुझे लिबरेटर कहते थे ना, मैं तुम्हें लिबरेट करने आ गया हूं, पर लोगों को ये नहीं पता लिबरेट करके कहां ले जाएंगे। मैं तुम्हें पहले शांति धाम ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में भेज दूंगा, पूरी स्मृति दिला रहे हैं बाबा। तो हमारे कल्याण के लिए हमें बार बार कह रहे हैं, अनासक्त हो जाओ, धन संपदा से आसक्ति निकालो, यूज तो तुम्हें ही करना है, इस देह से आसक्ति निकालो, तुम्हें अशरीरी होकर जाना है, बार बार अशरीरी होने की प्रैक्टिस करते रहो, तो बहुत सुखद फीलिंग यहीं पर होगी, योग युक्त स्थिति बन जाएगी, बाबा का साथ और प्यार मिलेगा, और जब जाने का समय आएगा हंसते हंसते जाएंगे। और यहाँ जो हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी, वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल हो जाएगी, नहीं तो मेरा मेरा तेरा मेरा, इसमें सारा संसार उलझा हुआ है। इसलिए अगर मानसिक रूप से भी अपने को हेल्दी रखना है, सुख शांति के अनुभव से भरपूर होना है, तो ट्रस्टी बन जाएं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है, बाबा ही जिम्मेदार है, वही करण करावन हार है।
तुम कितने महान थे, तुम कितने धनवान थे, तो अब रहम दिल बन जाओ, क्योंकि हमें सबको देना है, हमें सबका कल्याण करना है। कोई हमसे स्नेह लेने आते हैं, कोई सहयोग लेने आते हैं, किसी को सम्मान देना होता है, किसी को कोई विशेष ज्ञान देना होता है, किसी को कोई विधि सिखानी होती है, तो हम ऐसे रहम दिल बने कि हमारे द्वार से कोई भी खाली न जाए। जैसे बाबा रहमदिल है, मर्सीफुल है, हम भी उसके बच्चे बहुत बहुत मर्सीफुल बन जाएं। बाबा एक लास्ट में अति सुंदर बात कह रहे हैं, यदि किसी को तीव्र पुरुषार्थ करने की इच्छा हो तो मार्ग स्वतः ही मिल जाता है। बहुत ही गहरी बात है, चाहे लौकिक के लिए हो, चाहे अलौकिक ज्ञान योग की साधनाओं के लिए हो। हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है तो हम अपनी प्लानिंग खुद करें, अपना समय बचाएं, व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करें, जहां उलझन हो वहां से अपने को डिटैच कर लें और अपने तीव्र पुरुषार्थ की एक सुंदर प्लानिंग कर लें। तो आज हम अभ्यास करेंगे, मैं ट्रस्टी हूं, बाबा सब कुछ तेरा। बहुत सुंदर अनुभूति होगी, दिन में कम से कम 5 बार बहुत गहराई से गुड फीलिंग लेना, मैं बेगर हूँ, ये देह भी मेरा नहीं है, देह भी तुमको अर्पित, तो बच गई मैं निराकार चमकती हुई मणि। अपने को चमकती हुई मणि देखेंगे और मैं उड़ने लगे अपने घर की ओर, और जा बैठी शांति धाम में, वहां की शांति को बहुत अच्छी तरह डीपली अनुभव करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.